सो हे व्हाट्स एवरीबॉडी। तो भाई आज के वीडियो में बात करने वाला है इसी सैमसंग गैलेक्सी A32 के गेमिंग रिव्यू के बारे में। आज मैं इसे खेलने वाला हूँ पबजी मोबाइल, और इसका गेमिंग टेस्ट हम आज करने वाला है। ये जो वेरिएंट है मेरा ये है 6 GB RAM 128 GB वाला। इसमें आपको देखने को मिलता है एक 90 Hz का पैनल, और ये जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है मेन वो आपको देखने को मिलता है मीटेक का हीलियो G80 जो कि अल्ट्रा FPS सपोर्ट करता है। बट आज हम करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूंगी हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड भी करेंगे, प्लस आई विल ऑल्सो शो यू माई हैंड कैम। छोटा सा आपको साइड में हैंड कैम भी दिखता रहेगा। तो फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आई विल बी यूजिंग दिस बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, मतलब कि मेरे हिसाब से स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स। इसमें आपको सेटिंग्स वगैरह मैं दिखा देता हूँ जो भी मैंने 1080p नहीं रख रखा है, मैंने 720p कर रखा है, क्योंकि भाई जितना कम लोड देंगे उतना मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगी, वरना भाई बीच मैच में ये लैग मार जाए। और आपको जो मैंने MBPS रख रखा है वो है 8 MBPS जो कि ठीक ठाक होता है, ठीक है। और हम इसको खेलने वाले हैं 60 FPS पे यूजिंग द GFX टूल, ठीक है। आपको GFX की भी मैं सारी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ मैंने लो रख रखा है, 60 FPS प्लस रेजोल्यूशन वो HD रख रखा है, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी HD पे ही है, तो इसलिए मैंने इसको HD रख रखा है, ठीक है। हम अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी दिखा दूँ, तो हम जब गेम स्टार्ट करने वाले तब इसकी बैटरी परसेंटेज 100% है, ब्राइटनेस वो ऑलमोस्ट 40% पे है, वाईफाई से कनेक्टेड, और इसका जो एयरप्लेन मोड है वो ऑन है, और इसमें कोई भी सिम वगैरह नहीं डल रखी है। आपको मैं इसकी बैटरी वगैरह भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक DNS लगा दें, उसके बाद हम GFX खोलेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अपना ग्लोबल, और यहाँ पे हम करेंगे रन गेम, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जब तक गेम खुलती है, वाला एक TDM मैच। तो थोड़ा सा कैमरा एंगल लेट मी सेट इट, सो आपको हैंड कैम और गेम प्ले स्विच करने वाले हैं इन 1, 2 एंड 3। मैं पहली बार इस फोन पे खेल रहा हूँ, तो भाई डोंट जज माय गेम प्ले। आज अभी तक अभी से पहले मैंने इसमें नहीं खेला है एक बार भी। जिस फोन में मैं नॉर्मली खेलता हूँ ना, उससे इसका जो स्क्रीन है वो थोड़ा बड़ा है, उसके चलते क्या है वो मुझे आदत नहीं हो रही। मैच की बात है तो 2 TDM हमने ऑलमोस्ट खेले, 3% यहाँ पे बैटरी लूज हुई डिस्पाइट हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन है हमारी। अब हम यहाँ पे खेलेंगे एक फाइनल आर्केड वॉर मैच। आई एम नॉट प्लेइंग क्लासिक्स एज ऑफ नाउ,
क्योंकि मुझे पता है जब BGMI आएगा तब वी विल डू द फुल फ्लेज्ड रिव्यू ऑफ दैट सनॉक बूट कैंप एवरीथिंग, बट राइट नाउ मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि वो हमारा जो गेम वो आने वाला और ये गेम था तो अभी इसको इतना फायदा नहीं है। ये तो बस मैं ऐसे मैंडेटरी कर रहा हूँ कि हाँ एक आइडिया लग जाए लोगों को कि ये ग्लोबल में कैसे चलता था। ओके वरना अभी इसका कोई यूज नहीं है उतना क्योंकि बीजिया में आने वाला है। ओहो हेड भाई हेड बोलते हैं परफॉर्मेंस अच्छी थी फोन की। सो दिस इज इट इन द वीडियो। तो भाई हम इसकी अगर मैं पूरी बात करूँ तो यू कैन टेक दिस फॉर कैजुअल गेमिंग। आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू फॉर लाइक डाई हार्ड गेमिंग फैंस, ये उनके लिए नहीं है। दे आर मोर ऑप्शंस फॉर यू, बट इफ़ यू वांट अ कंप्लीट फोन जिसका कैमरा अच्छा हो, जिसकी डिस्प्ले बहुत ही कमाल हो और आपको एक ओवरऑल फोन चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस लाइक ब्लाइंडली, आँख बंद करके जा सकते हैं। तो भाई यही रिव्यू था मेरा, ये तो मैंने ग्लोबल वर्जन के ऊपर ये रिव्यू बनाया है। BGMI आने पे मैं BGMI का भी आपको ज़रूर रिव्यू दूंगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे, तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई आप घर में रहें, मास्क, बाहर जाना है तो भाई मास्क वास्क लगा के जाए, सैनिटाइजर वगैरह करके जाए। सो तब तक के लिए टाटा गुड बाय।